बढ़िया बढ़िया नेता लोग का, गुंडा लोग का कोर्ट के नाम पे पसीना छूट जाता है, बोले जाके कोर्ट में। एनसीसी का देखिए, सरकार एनसीसी का थोड़ा भी यूज नहीं करती है। सरकार एनसीसी का यूज करती तो बहुत देश आगे जा सकता है। क्राइम में 50% की गिरावट हो सकती थी एनसीसी से कम होने पे। जितने एनसीसी सी सर्टिफिकेट वाले हैं उनको पुलिस जब रात में पेट्रोलिंग करती है ना, तो पुलिस चौराहे चौराहे पे रहती है, दूर दूर पे, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर बीच में एनसीसी वाले को लगा दीजिए। उनको क्या चाहिए, बस एक नॉर्मल सैलरी। एक पुलिस वाले की सैलरी कितनी जाएगी, 40,000। एनसीसी का लड़का स्टूडेंट रहता है, उसको अगर ड्यूटी लगा देते हैं कि तुमको महीने में 4 दिन ड्यूटी करना, तो ऐसे ऐसे हजारों लोग मिल जाएंगे। 4-4 दिन करके ही मिलेंगे तो 30 दिन खत्म हो जाएगा। हर गांव में 2-4 को एनसीसी का मिलेगा। 4 दिन करना है, 1 दिन का अगर उसे हम 500 भी देते हैं तो करने को रेडी हो जाएगा, क्योंकि उसको ट्रेनिंग का हिस्सा हो जाएगा। उसे सर्टिफिकेट दीजिए कि हां तुम्हें एक्सपीरियंस है, तो पैसे भी कम हो जाएंगे। और टॉल दिया इसे यहां पे, भले वो कुछ नहीं कर पाएगा लेकिन उसको तुरंत फोन करके बुला तो देगा वहां पे, और पूरी उसकी ट्रेनिंग भी जबरदस्त होती है। ऐसा नहीं है वो आ गया तुल गया ना तो मारेगा 4 बूट में, तो हालत खराब हो जाएगा किसी का। रूल नहीं लेते यहाँ पे, लेकिन कभी कभी लिया जाता है। पटना में जब छठ का त्यौहार होता है तो एनसीसी वाले को ट्रैफिक पुलिस में लगा देता है। हम हाँ, आप लोगों को जो एनसीसी की ट्रैफिक की ट्रेनिंग दिया कि नहीं आप लोग को, होता है किसी किसी में दिया जाता है किसी में नहीं दिया। हम लोग में भी ट्रैफिक का ट्रेनिंग दिया गया था, तो हम लोग में लड़की जो थी सब वो कह रही है कि हम गोलंबर पे रहेंगे, तुम लोग जाके सही करो। यहाँ पे झंडा लेके गोलंबर पे चढ़ गए, हम लोग लाइन सही कर रहे। एक सांड आया तो झंडा दिखा रही है झंडा सुनेगा वहां पे, उठा के फेंक देगा गोलंबर पे से। यहाँ पे काम करने से नहीं भागना चाहिए वहां पे, वहां समझ में आएगा ना कि हम लोग तो। 1-2 दिन की ट्रेनिंग होती है उसमें एनसीसी वालों की, तो अच्छा उसमें बेगारी करा सकते हैं कि नहीं। जितने एनसीसी वाले हैं इनके अंदर इतनी डिसिप्लिन होती है कि अगर उनसे काम कराइएगा तो काम से नहीं भाग सकते। एनसीसी करने के बाद एक चीज तो उनके अंदर यह भर दिया जाता है कि अगर उससे कहिएगा तुम्हें 24 घंटा काम करना है, इसके बदले पैसे नहीं दिए जाएंगे। ये एनसीसी कमांडर का आदेश है, बिना पैसे वो 24 घंटा काम कर देगा जो भी इसमें एनसीसी किया है। इतना डिसिप्लिन भर देता है, उसका मोटो ही होता है डिसिप्लिन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, उसका मोटो होता है एकदम डिसिप्लिन इतना। और जो 10 दिन का काम कर लिए ना उनको तो भाई हालत खराब कर देता है। रतिया में चिल्लाता है सर, 1-2-1 रतिया सुतले में चिल्लाता है। बेगारी का मतलब होता है बिना पैसे में काम करा देना, बेगारी बोलते हैं उसको। जैसे देखते होंगे ना ऑटो में बैठ जाइएगा, उतर के बाद पैसा मांगेगा, कैसा पैसा क्या है वो बेगारी है क्या है? बेगार। आप किसी को काम के बदले आपको क्या करना पड़ेगा, पैसे देना। बहुत सारे लोग फाइनेंशियली वीक होते हैं, हम उनको कहते हैं कि चलो भैया तुम्हारे पास फाइनेंशियली वीक है, हैंडीकेप है, या फिर ऑर्फन यानी अनाथ है, हम उन लोग से पैसे नहीं लेते। लेकिन हमसे जबरदस्ती नहीं हो सकता है यहाँ पे। हम खुद छोड़ दे या आप खुद छोड़ दे वो अलग बात होता है, लेकिन बेगारी आप किसी से नहीं करा सकते। लेकिन राष्ट्रीय मामले पे अरे बाप रे बाप, मार के हालत खराब कर देगा, लड़ो यहाँ पे, बेगारी बाद में सैलरी। लेकिन देश के पास इतना पैसा है कि आपको पैसे की दिक्कत नहीं करेगा। आगे बढ़ जाए, बेगारी का मतलब समझ में आ गया। फ्री वर्क, किसी से आप फ्री वर्क करा देंगे, कोई मजदूर है आप उसका पैसा रोक देंगे, नहीं रोक सकते। बेगारी काम नहीं करा सकते, आर्टिकल किसका उल्लंघन है। और आपको पता है कि 12 से 35 मूल अधिकार है, अगर इसका उल्लंघन किया वो सीधे कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में तो डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसके पास पूरा पुलिस होता है, उन लोग को टेंशन रहता है। बस डीजीपी से बोल दीजिए कल कोर्ट में हायरिंग है ना, उनको रात में नींद ना आएगा। अरे यार ये कोर्ट में, क्योंकि वकील और जज किसी को वैल्यू ना देते हैं। आप अक्सर वीडियो देता रहे, डीएमएसपी को तो ऐसे झाड़ देते जैसे लगता है कि बेरोजगार है कोई वहां। जब सुप्रीम कोर्ट में तो अच्छा अच्छा आदमी का हालत खराब होता, क्योंकि हाई कोर्ट अगर फैसला दिया भी तो सुप्रीम कोर्ट तो जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट अगर सुना दिया तो गड़बड़ हो जाएंगे। इनकम टैक्स के एक अधिकारी थे, इनकम टैक्स कमिश्नर, तो उन किसी जांच हो रही थी किसी चीज में, तो हाई कोर्ट ने कहा कि आप जांच करके दीजिए। इनकम टैक्स वाले को लखनऊ की बात है, लखनऊ की बात, उनको लगा ये कोर्ट मतलब कौन सी होता है। 3 महीना बीत गया, रिपोर्ट ना दिए, तलब कर लिया। जबरदस्ती बुलाया जाता है किसी को तो उसे कहते हैं तलब करना, और इसे नॉर्मल बुला रहा है तो बुलाया जाता होता है। जैसे आपको नॉर्मल हम बुलाएंगे, बाबू इधर आओ, तो ये क्या है, नॉर्मल है। आप कहेंगे इधर आओ इधर आओ, इसे उर्दू में कहते हैं तलब कर लेना, अंग्रेजी में कहते हैं समन। इधर आ जा, आ जा बाबू, आ कमिश्नर साहब को बुलाया और कहा कि इनको 1 हफ्ता जेल में डालो। कमिश्नर जाकर आज गलती हो गया आप ना
अरे आप इनकम टैक्स कहे तो इसका मतलब क्या, आप कोर्ट को हल्के में ले लीजिएगा। चिल्लाते रह गए, कहा कि 25 लाख जुर्माना और 1 हफ्ता जेल। तो कह रहे हैं जज साहब से कि महाराज 25 लाख के जगह 50 लाख ले लीजिए, जेल वाला कैंसिल कर दीजिए, कमिश्नर है ना बड़ी बदनामी होगा। कहा कि 25 का 50 करियो देंगे जेलो ना, बोल रहे हैं शांति से निकलो यहाँ पे। तो वकील सब कैंसिल ले, घुसिया जाएंगे, हाकिम घुसिया जाएंगे, दिक्कत हो जाए, कोर्ट जज घुसिया जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे, समझ में आ गया नहीं गया। तो कोर्ट अगर इतना डर मेंटेन नहीं करेगा ना, लोग कोर्ट को हल्के में लेंगे, समझ में आ गया नहीं। बढ़िया बढ़िया नेता लोग का, गुंडा लोग का कोर्ट के नाम पे पसीना छूट जाता है, तनी बोले जाके कोर्ट में देखते होंगे लोग, पुलिस वालों का तुमको देख लेंगे, तनी बोले ना जज साहब को देख लेंगे। जज साहब रात 2 बजे कोर्ट बैठा देगा, वो जज को इतना पावर होता है, जहां बैठ गया वहीं पे फैसला सुना देगा आपको, बुला के कहेगा हमारे बगीचा में ले आओ, यहीं पे एगो टेबल कुर्सी लगाएगा, एगो अपना स्टेनो को रखेगा, आदेश लिखो यहाँ पे, वहीं से उठा के भेज देगा यहाँ पे, समझ में आ गया नहीं। कोर्ट बहुत पावरफुल होता है रियल में, अगर किसी के पास पावर है ना इस देश में, संविधान के पास, समझिए, क्योंकि जज भी संविधान के ऊपर नहीं है, क्योंकि जज भी अंटसंट फैसला नहीं सुना सकता, उसके ऊपर कौन है। हमारे संविधान की शुरुआत होती है हम भारत के लोग, क्योंकि हम ही लोगों ने संविधान बनाया, और संविधान सबसे बड़ा होगा।